सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा यारिस का वी मॉडल, जो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो आप कह सकते हो सेकंड वेरिएंट है। ऑल जो चार मॉडल है यारिस के, उसमें से ये सेकंड वेरिएंट है, स्टार्टिंग का सेकंड वेरिएंट, जिसको आप कह सकते हो प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। तो आज हम वही करेंगे चेकआउट की इस गाड़ी में और टॉप वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, डज इट प्रोवाइड यू प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। तो लेट्स स्टार्टेड एंड लेट्स चेक इट आउट। तो फ्रेंड्स, ये है टोयोटा यारिस का वी मॉडल। अगर मैं इसके चेंजेस की बात करूँ टॉप मॉडल से, तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बात करूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें भी आपको प्रोजेक्टेड लाइट्स मिलेंगी विद दिस एलईडी टच। जो इसमें मिसिंग होगा वो यहाँ पे जो डीआरएल्स आपको टॉप वेरिएंट में, जो चीज़ इसमें मिसिंग होगी, जो आपको टॉप वेरिएंट में यहाँ पे डीआरएल्स मिलते थे, वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बाकी सारा फ्रंट इस गाड़ी का सेम है, जो टॉप मॉडल यारिस में मिलता था वही सेम आपको लुक आपको इसमें मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ, साइड में भी आपको यहाँ पे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो आपको सेम टॉप मॉडल में मिलते हैं। उसके बाद द रेस्ट कार लुक सेम। इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे साइड मिरर्स में। इसमें भी आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे विद कैमरा इक्विप्ड। सो फ्रेंड्स, अगर मैं रियर की बात करूँ यारिस के वी मॉडल में, तो आपको यारिस के वी मॉडल के रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे विद कैमरा भी मिलेंगे आपको। और अगर मैं इसके पीछे बात करूँ, इसमें आपको डिफोगर भी मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिलेगा, शार्क फिन डिज़ाइन में आपको एंटीना मिलेगा। सो गाइज, अगर मैं यारिस के बूट स्पेस की बात करूँ, इसमें आपको 476 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, और 60-40 रेशो में इसकी सीट्स फोल्ड होती है आगे की, पूरी बेंच फोल्ड नहीं होगा, 60-40 की रेशो में से स्प्लिट होगी, पूरा बेंच फोल्ड नहीं होगा, 60-40 की रेशो में स्प्लिट होंगी। और अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जगह बनाने की कोशिश की है, टायर का हम ज़्यादा स्पेस नहीं देता अपने बूट की, तो आपको काफ़ी एक वर्थ बूट स्पेस मिलेगा। उसके नीचे आपको सारी पैकेजिंग मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं टायर्स वगैरह, बट मेरे को पैकेजिंग इनकी जो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट यहाँ पे आपको पूरी सीलिंग वगैरह मिलेगी आपको बोनेट पे, तो ये एक अच्छा लगा मुझे। फिट एंड फिनिश लेवल इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है। द रेस्ट डिज़ाइन लुक सेम, एग्जैक्टली द सेम जो टॉप मॉडल में, वही आपको इसी मॉडल में आएंगे। तो इन केस अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस मेन है वो आपको सेफ्टी फीचर, ट्रैक्शन फीचर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए आगे वीडियो में करूँगा, वही होंगे, और कुछ आपको ऐसे सच डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड, ये है टोयोटा यारिस का पेट्रोल इंजन का लेआउट, और जो आप कह सकते हैं इंजन डिज़ाइन, ऊपर सिल्वर फिनिश में इन्होंने इंजन कवर रखा है, ना कि ब्लैक में रखा है। अगर मैं इसके पावर की बात करूँ, इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलेगा, विच गिव्स यू अराउंड 107 पीएस एंड 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड द होल पैकिंग ऑफ द मटेरियल इज़ क्वाइट गुड, जैसे कि आपको नॉर्मल टोयोटा गाड़ियों में देखी है। तो राइट नो ये पेट्रोल में अवेलेबल, आई डोंट नो ये डीजल में आते हैं कि नहीं, बट ये आपको पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन में अवेलेबल मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ है इस वी मॉडल की। अगर मैं वी मॉडल की बात करूँ, इसमें भी आपको स्मार्ट एंट्री कर मिलेगी, विद प्रेस ऑफ अ बटन आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। अभी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे एंड देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स दैट कार इज़ प्रोवाइडिंग अस। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, डोर्स में आपको बोतल होल्डर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको हर आजकल गाड़ी में मिलते हैं, बट इसमें आप एक 1 लीटर वाटर बॉटल को यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें जो आपको ब्लैक कलर का फिनिश में मिलेगा पैनल साइड में, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, मतलब कि हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये वाला पैनल आपको हार्ड, बट यहाँ आपको सॉफ्ट पैनल मिलेगा, सो यू कैन ऐसे आप अपनी आर्म को यहाँ रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ फ्रेंड्स, अगर मैं इंटीरियर की, इस वी मॉडल की, आपको लगभग सारे वो फीचर्स मिलेंगे जो आपको टॉप मॉडल में मिलते थे। सबसे पहले मैं अगर बात करूँगा, आपको कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, आपके सारे मोबाइल कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिलेंगे, और यहाँ से आप अपना एमआईडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप अपने टॉप मॉडल में करते थे।
उसके बाद अगर फ्रेंड्स अगर मैं मिडल सेक्शन पे आऊँ गाड़ी के, तो यहाँ पे भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, बट यहाँ पे आपका जो नेविगेशन होगा वो आपके फ़ोन के नेट थ्रू चलेगा, मतलब इसमें इनबिल्ट नेविगेशन ऐप नहीं आएगी, मतलब आपके फ़ोन के इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, नीचे आपको एसी मिलेगा, ऑटोमेटिक एसी का सेटअप मिलेगा, जैसे कि आपको टॉप मॉडल में मिलता था। इस मॉडल में के म्यूज़िक सिस्टम में और टॉप मॉडल में ये फर्क है, इसमें जेस्चर कंट्रोल का फंक्शन भी नहीं अवेलेबल है, तो जेस्चर कंट्रोल यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। उसके अलावा इस गाड़ी में नीचे आपको सारा वही सेटअप मिलेगा, टॉप मॉडल वाला ही आर्मरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट भी मिलेगा। नीचे आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे पॉइंट मिलेगा चार्जिंग के लिए। सो ये ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ है, इसमें आपको मैनुअल भी मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसमें सेफ्टी पैकेजेस की, तो इसमें भी आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे विद ABS, EBD ब्रेक एंड ब्रेक असिस्ट के फंक्शन के साथ। जो चीज़ें नहीं आएगी, इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं मिलेगा, इसमें हिल असिस्ट का फंक्शन भी नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट क्रूज कंट्रोल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इस सेकंड मॉडल की बात करूँ, जो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसमें 7 एयरबैग्स, ABS, EBD ब्रेक्स, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, साइड मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल मिलेंगे, सनग्लास होल्डर भी मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके अलावा आपको बस जो टॉप मॉडल्स और इसमें ये है कि इसमें आपको लेदर अप स्टेयरिंग नहीं मिलेगा, ना लेदर अपलॉस्ट्री मिलेगी। बाकी अगर मैं कैबिन की फिट एंड फिनिश की बात करूँ, वो टॉप मॉडल के जैसी है और कोई आपको ऐसा चेंज नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे और आपको दिखाते हैं पीछे में क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। सो ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। सो अभी हम गाड़ी के पीछे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब हम गाड़ी के पीछे हैं, अगर सबसे पहले आपको चीज़ यहाँ नोटिस करने को मिलेंगी कि यहाँ पे आपको कोई AC वेंट नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल भी नहीं था और यहाँ पे भी नहीं है। नीचे 2 पावर सॉकेट्स मिलेंगे, यू विल गेट आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। फिनिशिंग की बात करूँ, यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिशेस मिलेंगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे इस मॉडल में, पीछे आपको पार्सल ट्रे भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको आपके एयर वेंट्स भी मिलेंगे जो AC यहाँ से सक करेंगे और यहाँ से वेंट्स आपको फ्लो करेंगे विद एम्बिएंट लाइटिंग। और जो फीचर्स आपको मोस्टली टॉप वेरिएंट में मिलते थे, वही आपको इस गाड़ी के वेरिएंट में भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ पीछे सीट कंफर्ट की, तो आप मेरा टॉप मॉडल का वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि क्या क्या आपको चेंजेस थे, तो वही चेंजेस आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि यारिस में क्या क्या फीचर्स है टॉप मॉडल से और इस वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपको पता होगा कि जो वी मॉडल है उसमें और टॉप वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। और आई होप कि ये वीडियो आपको, आपके अगर आप यारिस लेना चाह रहे हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है या क्वेरी, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई फेसबुक। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, तो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड माई न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स जाते हैं तो यही कहूँगा, ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। रोस्टर साइनिंग ऑफ, जय बजरंग बली।